जीएसटी के अंतर्गत हमने इसे पूर्व के वीडियो में कंपोजिशन लेवी के बारे में अध्ययन किया था। आज इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने इसे पूर्व के वीडियो में देखा था कि यदि कोई स्मॉल एंड मीडियम डीलर मैन्युफैक्चरर इस स्कीम को अडॉप्ट करना चाहे तो ऐसा करने से उसको लेज़र कंप्लेंस, यानी अगर वो चाहता है कि जीएसटी के अंतर्गत जो बहुत सारे कंप्लेंस हैं उनको पूरा करने में असहज महसूस करता हो तो वो इस योजना को या इस स्कीम में शामिल हो सकता है। यहाँ पर स्कीम में शामिल होने की जो शर्तें हैं वो पूर्व में हमने समझी थी कि यदि उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ नॉर्मल स्टेट के संबंध में और स्पेशल कैटेगरी के संबंध में 75 लाख रुपए से कम रहता है तो वो इस स्कीम में शामिल हो सकता है, बशर्ते कि अन्य जो कंडीशन है उनको भी वो फुलफ़िल कर दे। एक एग्जांपल भी हमने इसे पूर्व के वीडियो में देखा था कि एग्रीगेट टर्नओवर को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। कुछ और जो इसकी कंपोजिशन स्कीम की कुछ फ़ीचर हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इट इज़ अ वॉलेंट्री स्कीम, ये एक स्वैच्छिक योजना है। अगर रजिस्टर्ड डीलर इस स्कीम में चाहे तो अपने आप को रख सकता है, अदरवाइज़ वो नॉर्मल स्कीम में भी अपने आप को रखना अगर सहज महसूस करता है तो उसमें भी रह सकता है। इस स्कीम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कंपोजिशन डीलर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू कंपोजिशन डीलर, इट मीन्स के उस डीलर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स महंगी हो जाएगी। अगला जो फीचर है इसका कि लेसर कंप्लेंस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस स्कीम के अंतर्गत कम से कम रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं, बुक्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है और इनवॉइस वो इश्यू नहीं कर सकता। आगे जो इसके फीचर हैं उसमें, द टैक्स पेयर हैज़ टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट फॉर ट्रांजेक्शन अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो यहाँ पर कंपोजिशन लेवी की जो रेट है उसको बजाय नॉर्मल रेट के ऊपर टैक्स पेयर को टैक्स देगा। इफ़ अ टैक्सेबल पर्सन हैज़ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस, अगर उसके अलग अलग सेगमेंट हैं बिजनेस के, सच एज टेक्सटाइल हैं, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी है, ग्रॉसरी है एट्सेट्रा, अंदर सा सेम पेन अगर एक ही पेन के अंतर्गत हैं, देन ये अपने आप को रजिस्टर करेगा ऑल सच बिजनेसेस अंडर द स्कीम कलेक्टिवली और ऑप्ट आउट फॉर द स्कीम, यानी कि सारे ही बिजनेस के लिए वो या तो कंपोजिशन स्कीम रखेगा अथवा वो इसको शामिल इस योजना में शामिल नहीं होगा। द टैक्स पेयर हैज़ टू मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्ले प्रोमिनेंटली एट देयर प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि डीलर इसमें इनवॉइस यानी टैक्स इनवॉइस को इश्यू नहीं कर सकता, बल्कि उसको कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन दिखाते हुए अपने साइन बोर्ड अपने जो बिजनेस के पहले से उसके ऊपर दिखाना पड़ेगा। द टैक्स पेयर हैज़ टू मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई। इनको टैक्स इनवॉइस के बजाय बिल ऑफ सप्लाई इश्यूट करते हैं। तो ये कुछ सम फीचर थे कंपोजिशन स्कीम थे। आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं और स्टडी करते हैं कि नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम में कौन सी डीलर के लिए बेहतर होगी। तो मिस्टर एक्स ए रिटेल ट्रेडर हु कीप्स नो इन्वेंट्री प्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर। परचेज ऑफ गुड्स 50 लाख रुपए, जीएसटी इसके ऊपर 5% है, सेल्स एट फिक्स सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस 60 लाख रुपए है, जीएसटी ऑन सेल एट द रेट ऑफ 5%। डिस्कस वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, इस कंपोजिशन टैक्स इज 1% ऑफ टर्नओवर, एक्सपेंसेस ऑफ कीपिंग डिटेल्ड
स्टेटरी रिकॉर्ड रिक्वायर्ड अंडर द GST लॉ विल बी ₹1,40,000 पर एनम विच शैल गेट रिड्यूस टू ₹70,000 इफ कंपोजिशन स्कीम इज ऑप्टेड अदर एक्सपेंसेस इज ₹2,80,000। अब हम इसके आधार पे जो सूचनाएं हमको दी गई हैं उसके आधार पे हम ये गणना करेंगे कि नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम में से कौन सी डीलर के लिए बेहतर है। तो पर्टिकुलर नॉर्मल स्कीम, कंपोजिशन स्कीम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड नॉर्मल स्कीम के अंदर 50 लाख, कंपोजिशन में 52,50,000। क्योंकि नॉर्मल स्कीम में जो टैक्स इनवर्ट सप्लाई के ऊपर लिया गया है उनको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट करते हैं, उसका बेनिफिट डीलर को मिल जाएगा, इसलिए उसकी प्राप्ति की लागत उसके लिए 50 लाख रुपये ही रहेगी। जबकि कंपोजिशन स्कीम में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, 52,50,000 रुपये उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। एड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड, नॉर्मल में 1,40,000 है, कंपोजिशन स्कीम में 70,000 है। नॉर्मल एक्सपेंसेस दोनों में एक समान ही हैं, 2,80,000, 2,80,000। टोटल कॉस्ट नॉर्मल स्कीम में 54,20,000 और कंपोजिशन स्कीम में 56 लाख रुपये निकल के आ रही है। सेल्स दोनों में समान ही हैं, 60 लाख रुपये। लेस हम इसमें से टैक्स को कम कर देंगे तो नॉर्मल स्कीम में 5/105 क्योंकि उसमें शामिल है, इंटू 60 लाख, तो ये निकल के आएगा 2,85,714। और कंपोजिशन स्कीम में 1% है तो 60,000 रुपये आएगा। सेल्स आफ्टर डिटेक्टिंग टैक्सेस नॉर्मल स्कीम में 57,14,286 और कंपोजिशन में 59,40,000। प्रॉफिट फॉर ऑफ द डीलर 60 लाख रुपये में से हम ये नेट जो सेल्स है इसको घटा देंगे तो कंपोजिशन नॉर्मल स्कीम के लिए ये 2,94,286 रुपये आ रहे हैं, जबकि कंपोजिशन स्कीम में ये 3,40,000 रुपये हैं। तो इट इज़ क्लियर कि भाई कंपोजिशन स्कीम अगर डीलर ऑप्ट करता है तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। धन्यवाद।